अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नौशीन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शाही काजू पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। हमने शाही काजू पुलाव को थोड़ा रिच बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज को रफली कट कर लिया है। अब 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून हम सौंफ पाउडर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह के साथ। 1 कप हम दही का इसमें शामिल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है, अब हम एक डेगचा गर्म होने के लिए रख देंगे। हमने 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग और 4 हरी इलायची ऐड की है, साथ ही 4 टेबलस्पून हमने ऑयल का शामिल किया है। हमने गरम मसाले को अच्छे से ऑयल में भून लिया है। अब 3 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने कट कर लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। 2 आलूओं को हमने साफ़ करके रख दिया था, अब वो भी हम प्याज में शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छे से चलाते हुए हमें इसे भूनना है। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज जल्दी से नरम हो जाए। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बल्कि एक गोल्डन फ्राई होने के करीब हो जाए तो हमें इसमें मसाला ऐड करना है। हमने 2 तेज़ पत्ते भी शामिल कर लिए हैं। 7 से 8 मिनट तक हमने तकरीबन इसे अच्छे से भून लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हम 1.5 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 7 से 8 हरी मिर्चों को हमने क्रश किया था वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है, अब हम काजू इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने पहले ही साफ़ करके रख दिए थे। अच्छे से हम इसे भून लेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हम ग्राइंडर जार में पानी लेकर इसमें शामिल कर देंगे। बॉईल आने तक हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, इसके बाद हम लो कर देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है वरना मसाला नीचे लग जाएगा। अब हम काजू के कुक होने तक इसे लीड कवर करके रख देंगे। काजू को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा काजू कुक हुआ है या नहीं। हल्के हाथों हम इसे चलाएंगे एक बार और फिर चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह 80% कुक हो चुका है। 10 सूखे काजू को हमने ग्राइंडर जार में पानी डाल के पीस लिया था, एक स्मूथ सा पेस्ट हमने रेडी कर लिया था। अब ये भी हम बिस्मिल्लाह के साथ इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा और पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा पेस्ट वेस्ट ना जाए। देखिए इसी तरह हमें इसे डालना है और हल्के हाथों हमें इसे मिक्स करना है। अब हम बॉईल आने का वेट करेंगे अच्छा खासा। यहाँ पर हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्योंकि हमने इसे स्टेप बाय स्टेप रेडी किया है। यहाँ पर हमने 800 ग्राम बासमती राइस लिए हैं और इसे अच्छे से धोकर रख दिया था हमने। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 से 2 बार हम चम्मच चलाएँगे, इसके बाद हम खोलता हुआ पानी हमारे चावलों में ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब, या आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो पानी की इस हिसाब से आप पानी डालिएगा। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों ताकि हमारे काजू के बीन जो कुक हो चुके हैं 80% वो टूटे ना। अब हम शाही काजू पुलाव को मज़ीद यमी बनाने के लिए मैगी क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 2 पीस। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन हमें ये पर्सनली पसंद है इसीलिए हम ये ऐड कर रहे हैं।
चावलों का पानी ड्राई होने तक हमें इसे कुक करना है। थोड़ा नमक भी ऐड कर लेंगे, हमने टेस्ट किया था थोड़ा कम लग रहा है इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथों हमने चलाते हुए इसे कुक कर लिया है। देखिए ऑलमोस्ट पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम 3 टेबल स्पून तकरीबन मलाई का ऐड कर लेंगे। ये घर की मलाई है जिसे हमने हल्का सा फेंट लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों। बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीन मानिए आप अगर एक बार ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह काजू के सीज़न में हर बार आप यही शाही काजू पुलाव बनाएंगे। बहुत मज़े का बनता है माशाल्लाह। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून घी का शामिल करेंगे ताकि हमारा शाही काजू पुलाव मज़ीद मज़ेदार बने। इसी तरह हमें इसे चलाते हुए ट्राई करना है। अभी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, ये देखिए सरफेस पर ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। एक बार फिर से हम हल्के हाथों चम्मच चलाएंगे। इसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 7 से 8 हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे। अब पुलाव को दम पर रख देंगे, हल्के से चलाकर हमें इसे इक्वल करना है। फ्रेंड्स हमने 800 ग्राम चावल के लिए तकरीबन 300 काजू के बीज यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाही काजू पुलाव सर्विंग के लिए रेडी है। अब हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह, हमने शाही काजू पुलाव को सर्व कर लिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा हरा धनिया कट करके डाल देंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारी शाही काजू पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।